टेक आउट यूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं तो टूडेज डिस्कशन विल बी ऑन दिटिव बाइसनेस ये जो आपका कॉगनेटिव बाइसनेस है आप डेली बेसिस पर इसको ऑब्जर्व करते हो एंड इसको रिलेट कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आप अच्छे से समझ जाइएगा जैसे अगर हम बात करते हैं cognitive biasness की, तो इसको आप करना सीखिए। मतलब देर इज ए डिस्क्रिमिनेशन देर इज ए पक्षपात इन योर डिसीजन वेन बी सी कॉगरेटिव तो देर इज ए डिस्क्रिमिनेशन इन योर थिंकिंग यानी कि यू आर नॉट न्यूट्रल यू आर कंसीव्ड विथ योर प्रिजोडाइज इमोशंस तो जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल की बात करें कि लेट से भारत की सोसाइटी में देर इज ए डोमिनेंस ऑफ मेल जो पुरुष है उसको काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो इनफीरियर है टू द मैन जबकि रियलिटी में क्या है इट इज नॉट दैट ट्रू बिकॉज यू आर जजिंग द वोमेन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर सेट आउट बाय द मैन दैट्स वाई इट लुक्स लाइक वोमेन इज इंफीरियर बट इफ यू

राइट टू प्रॉपर्टी में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है डिस्पाइट देर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट टू प्रोवाइड देम द इज ए राइट टू इक्वालिटी बट आप समझो कि वो राइट टू इक्वालिटी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है ये तो मैंने आपको महिलाओं का एग्जाम्पल दिया तो बेसिक ओवरव्यू क्या है कि जो आपका कॉग्निटिव बाइसनेस है दैट इम्पीड न्यूट्रलिटी ये न्यूट्रलिटी को एक प्रकार से मिनिमाइज कर देता है न्यूट्रलिटी का मतलब क्या कि आप पक्षपात नहीं करते हो आप जो है न्यूट्रल हो अब आप समझिए अगर इस प्रकार का स्टीडियोटाइप प्रिवेंट रहेगा डोमिनेट रहेगा तो फिर अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे तो वो स्टूडियो टाइप वहां पर भी देखने को मिलेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करना चाहें तो वह स्टीडियोटाइप वहां पर भी देखने को मिलेगा जुडिशियरी में भी इस प्रकार के स्टीडियोटाइप देखने को मिल जाएंगे और अगर हम एग्जाम्पल बोले कल्पना कर सकते हो आप कि कि लेट से जुडिशियरी में इस प्रकार का स्टीडियोटाइप डोमिनेट हो जाए तो आप समझो कि महिलाओं को कभी अधिकार मिल सकेगा महिलाओं को क्या इक्विटेबल जस्टिस मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा तो दैट्स वाई यहाँ पर कोर्गनेटिव बायसनेस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड सेट दैट गेट्स डोमिनेटेड by the emotions that has already been inserted into the mind of the people and that prejudice comes from the society the environment you leave the character you get from the society so that's the basic point regarding the cognitive biasness and there are many much examples but ek aur main aapko ki when we talk about cognitive biasness so then let's say ये, इंडिया है ठीक है इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है अब अगर भारत में महिलाओं के प्रति कॉग्निटिव बाइसनेस रखी जाएगी तो फिर महिलाओं का आप देख सकते हो लोअर पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में इवन इन द लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है तो इस प्रकार इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट इस प्रकार के सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस स्कीम से लेकर आती है जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना है आपका ठीक है उसके बाद आप समझ सकते हो कि जो रिजर्वेशन का किन्सेप्ट लाया जाता है जैसे आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की बात की जाती है महिलाओं के लिए उसी प्रकार से हायर एजुकेशन सिस्टम में भी रिजर्वेशन है जॉब्स में भी रिजर्वेशन की बात की जाती है तो क्यों ये सब कंसेप्ट को लाया जाता है ताकि हम इन कॉग्नेटिव बाइसनेस को जो महिलाओं के प्रति उसको खत्म कर सके एंड जब तक ये खत्म नहीं होगा तो पहली बात तो ये कि जो संविधान का कोर प्रिंसिपल है इक्वालिटी वो कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी है ना महिलाओं को वो समान अधिकार नहीं मिल पाएगा तो दैट द बेसिक क्रक्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ठीक है एंड ये जरूर ध्यान रखना है इट इम्पीड्स न्यूट्रैलिटी And also, you can give examples in our comment section. So we will move to our article discussion. But before that, we have started our courses, and the batch is getting started from 14th of August. You can enroll wrong and you can call on these numbers that has been given below. Okay. So now come to the article. We have to discuss two important articles. First one is related to the नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि जो आपका प्रजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है बिकॉज ये डिजायर्ड आउटकम नहीं दे रही है जी डी पी सरिंग कर रहा है एज वेल एज इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आप देख रहे हैं और साथ ही साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रमोट होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर दे दीजिए नीड कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत है डिस्कस इन डिटेल कि क्या कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे दूसरा आर्टिकल आपका जो न्यू वायलेंस हरियाणा में हुआ है और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है एक प्रकार से सोशल कैपिटल या फिर जो ट्रस्ट है लोगों के बीच वो घट जाती है और एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है लोगों के बीच बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज और फिर इसके कारण वो जो गैप है ट्रस्ट का वो और ज्यादा बढ़ता है एंड दिस में फर्दर लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटियल वैल्यूज अब सेक्युलरिस्टिक प्रिंसिपल्स तो फिर यहाँ पर मेन डिस्कशन ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को तो इंटरवीन करना चाहिए था इस मैटर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन क्यों नहीं किया और इतना ही नहीं इस आर्टिकल में कोर्ट का इंटरवेंशन जो किया गया वो काफी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इन डिसाइडिंग फैक्टर कम से कम जो संविधान में आर्टिकल टू टू सिक्स के तहत हाई कोर्ट को पावर दी गई है टू इंश्योर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि स्टेट डज नॉट डोमिनेट ओवर द दिटीजेंस राइट तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा एंड यू कैन रिलेट विद दीज एग्जाम्पल्स विद रिस्पेक्ट टू द दी एस टू एज वेल जी एस थ्री एज वेल एज वेल एज जी एस फोर तो लेट्स ऑन द एडिटोरियल द फर्स्ट आर्टिकल विल बी डेल्ट विद पेपर थ्री टॉपिक तो पहली बात तो ये कि आखिरकार इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों है तो इस आर्टिकल में ये बोला जाता है कि अभी रिसेंटली नेशनल स्टेटिकल ऑफिस ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2022 का फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट फिगर रिलीज किया अब थोड़ा सा आपको बेसिक मैं आपको बताता हूँ ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना हम लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 23 ये क्या होता है तो आप समझ लीजिए जब हम फाइनेंशियल ईयर 23 कहते हैं तो ये आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 से लेकर इट विल एंड ऑन 30th of June, 2023. उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे financial year 2024 का, FY 2024, तो आपका कब से स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड इट विल इंड अपू थर्टी ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर होप यू एंड ठीक है तो ये डाटा रिलीज की गई तो इस डाटा में बेसिकली ये बोला गया कि जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है स्पेसिफिकली कोरोना के पीरियड में तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था इवन निगेटिव ग्रोथ गया था लेकिन इवन आफ्टर कोरोना दिक्लेनेशन स्टॉप एंड इससे तीन कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं फ्रॉम द एनएसओ डाटा सिंस 2014-15 और ये इस बात की पुष्टि भी करता है पहली बात तो ये कि जो ग्रोथ रेट ऑफ जी डी पी है सिंस 2015 16, वो डिक्लाइन हो रहा है उसके बाद से एनुअल लेवल पर और फोर्थ क्वार्टर में जो अभी डाटा रिलीज हुई है वो और ज़्यादा कम हुई है इतनी ज़्यादा कम हुई है कि इसको कंपेयर किया जा रहा है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से दैट इज सिमिलर टू थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट इन जीडीपी अब यहाँ पर एक कीवर्ड आया आपको हिंदू ग्रोथ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो काफी ज्यादा कम है ना काफी ज्यादा स्लो है तो उसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं इट इज नॉट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ कैंटी कीप इन माइंड इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है ठीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पर क्वेश्चन आए भी है और दूसरी बात ये निकल कर आती है कि दो के बाद से जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विकास की बात की डेवलपमेंट की बात की बट एक्चुअली में क्या हुआ कि जो आपका ग्रोथ रेट है वो उतनी ज्यादा एभव नहीं ग्रो कर पाई एंड दे स्टक एट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो कि एक समय आपका 1950 से लेकर 77 के पीरियड में था दैट वाज द पीरियड ऑफ सोशलिज्म इंडिया द सोशलिज्म प्रिंसिपल

तो वो सब इन इश्यू से वाकिफ थे तो उनको पता चला कि क्या कुछ रिफॉर्म्स लिया जाना चाहिए तो उन्होंने रिफॉर्म लिया कौन से रिफॉर्म लिए बिल्कुल एल रिफॉर्म लिए एंड उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी इवन इट रोज टू सिक्स टू एट परसेंट पर ईयर ओवर फिफ्टीन ईयर ऑफ पीरियड इज बिटवीन दीरियडी सिक्स एंड टू थाउजेंड फोर टू टू थाउजेंड कहीं ना कहीं ये जो लीडर्स थे उन्होंने समझा कि हमारे इकोनॉमी में क्या इश्यू है एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज इशू दे ट्राई टू रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया गया कि स्टेट के पार्टिसिपेशन को मिनिमाइज किया गया और कैपिटल को प्रमोट करने का प्रयास किया गया एंड इसके लिए वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए लेकिन यहां पर आर्टिकल में कहा गया कि कहीं कही ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए उसमें जो चेंजेस लाने थे वो नहीं ले पाए एंड बिकॉज ऑफ दैट द इकोनॉमी इज गेटिंग स्टक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो देर इज रोजी प्रोडक्शन एंड क्लेम्स जो किए जाते हैं कि हम फाइव ट्रिलियन जी डी पी को हासिल कर लेंगे बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अचीव बिकॉज फॉर दिस देर इज ए नीड कि जो आपका ग्रोथ रेट होना चाहिए एनुअली वो फिफ्टीन परसेंट होना चाहिए बट अभी क्या है आपका इट हैज़ बिन स्टक्ड बिटवीन सिक्स टू सेवन परसेंट ऑफ द जी डी पी ग्रोथ जबकि इसका डबल होना चाहिए है ना ये बात निकल कर आती है तो क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए फॉर रिवाइविंग और कमिंग टू द सॉल्यूशन तो पहली बात तो बोली जाती है कि भाई साहब स्ट्रक्चरिंग कीजिए इकोनॉमी की स्ट्रक्चरिंग करने का मतलब ये हुआ कि पहले आप क्लियर डिमार्केशन करिए कि आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है और आप इन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो इकोनॉमी में बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मनी अब हर चीज़ को एक साथ प्रायोरिटी तो नहीं दे सकते हमारे पास पैसों की कमी है ठीक है एंड अब पता चला कि सभी को इक्विटेबली हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे सभी सेक्टर में हम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल तो दैट्स वाई हम लोग किस प्रकार से चलते हैं प्रायोरिटी सेट करके चलते हैं कि जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज को डिवॉल्व करने की जरूरत है वहाँ पर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो देर शुड बी एन क्लियर कट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रायरिटीज एज वेल एंड बेस्ड ऑन द प्रायरिटी इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए वेरियस सेक्टर को या फिर जिनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है उनसे इंसेंटिव्स ले भी लिए जाने चाहिए कुछ सजेशन दिए जाते हैं जैसे आपका पर्सनल इनकम टैक्स को हटा देना चाहिए जी एस टी को भी ख़त्म कर देना चाहिए टू इंसेंटिवाइज द इन्वेस्टर्स एंड अर्नर्स अब थोड़ा सा आपको ये जो सोल्यूशन है वो एक्सट्रीम लग रहा होगा बट आर्टिकल में यही बात कही गई है ठीक है इसका बेसिक पॉइंट यही है कि कम से कम जो पर्सनस है उनके पास खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी तो ऐसे में डिमांड बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट पर्स्पेक्टिव ये है ठीक है ऑल्सो देर आर वेरियस सजेशंस जैसे इन in, जो इंटरेस्ट रेट पेड किए जाते हैं उन द फिक्स टर्म सेविंग्स इन द बैंक अकाउंट्स उसको नाइन परसेंट कर देना चाहिए या फिर जो एम एस एम ई सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं अब क्या है ना कि इनका काम जो है लोन पर चलता है ये लोन लेते हैं बैंकों से या फिर अदर स्टेक होल्डर से उसके बाद ये अपने प्रोडक्शंस करते हैं तो जब ये लोन लेते हैं तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है तो ऐसे में इनकी जो वायबिलिटी है वो बैकअप नहीं हो पाती है तो इनके इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देना चाहिए यानी कि सिक्स परसेंट तक रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए ताकि ये अपने प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो इकोनॉमी में तो वे एड यही है कि जो मार्केट सिस्टम है ना वो सबके लिए फ्री नहीं है ओपन नहीं है एंड ऑल्सो मार्केट सिस्टम कैन नॉट बी सक्सीड ऑन टेकिंग एड हाउक मेजर्स हमें एक डेफिनेट मेजर्स लेने की जरूरत है जो कहीं कही ना कहीं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सक्सेस के रास्ते पर लेके जाए हैं शुड हैव ए स्ट्रक्चर विथ रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ये प्रॉपर एक रूल एंड पैटर्न हो जिस पर हमें चलने की जरूरत है एंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बोली जाती है कि स्टेट इंटरवेंशन को मिनिमाइज किया जाए और उसके लिए मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म को तो प्रमोट किया जाए यानी कि जो आपकी मार्केट है ना वो मिनिमम गवर्नेंस पर चले मिनिमम गवर्नेंस नहीं मिनिमम गवर्नमेंट पर चले ठीक है और एक स्टडी दी जाती है किनॉमिक सिस्टम को खत्म किया और आप समझो कि चाइना में कितनी ज़्यादा तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर हुई एंड ऑल्सो जो डी डीरेगुलेशन डी डी रेगुलेशन होगा डी रेगुलेशन कहने का मतलब यह है कि स्टेट के इंटरवेंशन कम होंगे तो डेट शुड नॉट मीन कि हम जो सेफ्टी नेट्स से है पीपल के उसको एक्सक्लूड कर दे यानी कि लोगों के कंसर्न से उसको एक्सक्लूड कर दे या फिर मार्केट फैल्यूर जैसी घटनाएं हो तो फिर उसमें हम इंटरव्यू ना करें वो सब नहीं होना चाहिए जरूरत के समय पर हमें इंटरव्यू करना हो तो हम इंटरव्यू करें एंड वी शुड क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड तो कंक्लूजन में यही है कि एफर्मेटिव एक्शंस लेने की जरूरत है ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट्स ये सब इसशियल है फॉर द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शंस तो इन सब का भी वेलफेयर करने की ज़रूरत है एंड प्लीज एक्शंस विल स्ट्रेंथन कॉपरेट गेंस एंड प्रोफिट मेकिंग भी होगी और ऑल्सो जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है वो भी कम होगा एंड हैविंग द डेमोक्रेटिक एंड हारमोनियस सोसाइटी दैट्स द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल नाउ सिफ्टिंग फोकस टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट विल बी कवर्ड अंडर जी एस पेपर टू एंड पेपर थ्री एज वेल एज जी एस पेपर फोर बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो आप इन तीनों जगहों पर रिलेट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो वो सब आपका जी एस टू में आ जाएगा जी एस थ्री में आपका जो लिंकेजेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रिड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इसमें आ जाएगा फिर जी एस फोर में जो कीवर्ड्स है ठीक है ट्रस्ट या फिर बिलीफ इन सब का आप इग्जाम्पल ले सकते हो और कोट कर सकते हैं आप ठीक है सो एज यू ऑल नो द इंसिडेंट ऑफ नो वायलेंस इसका बैकग्राउंड मैंने कल ही बताया था अगर आपने उस एडिटोरियल का डिस्कशन नहीं देखा है प्लीज गो बैक एंड लुक दैट डिस्कशन फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी विल डिस्कस क्रक्स द आर्टिकल इज ट्राइंग टू से तो पहली बात तो यही है कि आप देख रहे हो कि हरियाणा में एक प्रकार से जब ये घटना हुई तो उसके बाद बुलडोजर जस्टिस को इनिशिएट किया गया बुलडोजर जस्टिस आपको ही पता है यूपी गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई है जहाँ पर कोई भी विक्टिम कोई भी विक्टिम नहीं कोई भी एक्यूज राइटर से जो हिंसा करता है तो उनका डायरेक्ट घर तबाह कर दिया जाता है या डेमोलिशन किया जाता है ठीक है विदाउट गिविंग नोटिस और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करे मेंटेन्स पीस एडेस्ट द कल्परेबल एंड ऑल्सो लीगल प्रोसेस जो होता है एक्यूज के खिलाफ चार्ज धार करे उसके बाद प्रोसिक्यूट करे लेकिन आज कर, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें की कमी देखने को मिल रही है रूल ऑफ लॉ वायलेट होता हुआ दिख रहा है इवन बाय द स्टेट एज वेल एंड मोस्ट नोटेबली आर्टिकल फोर्टीन डेट डील्स विद राइट टू इक्वेलिटी एंड कहाँ ये भी जाता है ये सब जो घटनाएँ घटित हो रही हैं इससे हेड पॉलिटिक्स तो बढ़ ही रहा है एंड इनडायरेक्टली इट इज़ एम्ड फॉर एलेक्ट्रोरल एडवांटेजेज बट द आर्टिकल इज ट्राइंग टू रेज इंसर्न ये सब घटनाएं जो है स्टेट की तरफ से हो रही है वेर इज द कोर्ट स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जबकि कोर्ट जो होता है आपका वो गार्जियन ऑफ द कंस्टिट्यूशन एज वेल एज प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द पीपल बट एज वी सीन इन द केस ऑफ उत्तर प्रदेश दैट्स जो आपका डेमोलिशन जैसी घटनाएं हुई थी जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था तो so स्टेट ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि हम डेमोलिशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस ऑल आर इलीगल कंस्ट्रक्ट दैट इज नॉट इन प्रॉपर विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द म्यूनिशिपैलिटी एंड लैंड ऑर्डर तो दैट्स वाई वी आर डूइंग द डेमोलिशन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हरी झंडी दे दी और बोला कि ठीक है जो आपका प्रोसीजर है वो तो होना ही होगा तो यहाँ पर आर्टिकल में ये बोला जाता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वाई आर यू टारगेटिंग वन कम्युनिटी वाई देर इज ओनली दीज हाउसेस गेटिंग डिस्ट्रक्टेड वेन देर इज एंड ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस वाई देर इज ए क्विक स्पीड डेमोलिशंस वाई नोटिस इज नॉट गिवेन तो आपको डिटेल में जाना चाहिए था रेदर की आप ग्रीन सिग्नल दे दिए और इससे हो क्या रहा है एक बार हरी झंडी मिल गई तो इस प्रकार की जो घटनाएं वो बढ़ती जा रही है ना कि ओनली इन द स्टेट ऑफ यूपी बल्कि और भी दूसरे राज्य जो है इस प्रकार के का पालन कर रहे हैं तो अगर वहीं पर कोर्ट डिसीजन दे देती कि नहीं इस प्रकार की घटनाएं सही नहीं है तो आज इसका जो फैलाव है वो विभिन्न राज्यों में नहीं होता सो वट द पॉइंट इज पॉइंट इज दैट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने पोटेंशियल पावर से कम परफॉर्म कर रही है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स काफ़ी सारी है और सुप्रीम कोर्ट अच्छे तरीके से जो आपका डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है बट दैट इज नॉट द केस वी आर सीइंग एग्जाम्पल भी दी जाती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में साफ साफ कह दिया गया था कि जो आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उनका टेन्यूर को बार बार एक्सटेंड किया गया लगातार तीन बार एक्सटेंड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि थर्टी फर्स्ट जुलाई तक उनको खाली करना पड़ेगा लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अपील किया फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को मान गए चलो रेन्यूर को एक्सटेंड किया जाता है तो क्या बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपने पोटेंशियल पर खड़ा उतरना चाहिए और यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आती है कि इफ़ यू डू नॉट ड्रो द लक्ष्मण रेखा एंड अगर आप कोई भी ट्रांसग्रेशन हो रही है उसको पनिश नहीं करिएगा तो व्हाट विल बी द आउटकम देन इट विल इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ ट्रांसग्रेशन होता है ना कि घटनाएं घटती जा रही हैं की ही जा रही हैं लगातार लगातार तो अल्टीमेटली लिमिट क्रॉस हो जाता है ना अगर आप रोकोगे नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं एंड अल्टीमेटली दैट लिमिट विल बी क्रॉस एंड ऑल्सो बहुत सारे इश्यू पर कोर्ट के ऑर्डर बाकी रहे हैं जैसे आपके इलेक्टोरल बोन्ड्स या डीमोनेटाइजेशन ये सब घटनाएं कब की हुई थी 2017 में हुआ था इलेक्टोरल बोर्ड 2018 के आसपास आया था फिर आप समझ सकते हो इम्यूनिटी ऑफ लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 194 वैलिडिटी ऑफ असम कोर्ट्स एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर जजमेंट ये सब आप समझ सकते हो कि कितनी पहले की घटनाएँ हैं चार पाँच साल बीत चुके हैं लेकिन जजमेंट अब आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा इनॉर्मस डिले हो जाती है तो एक प्रकार से इसके कारण क्या निकल कर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एजुकेशन डॉक्ट्रिन ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि इतने साल इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में हो गए तो फिर इसको हटाना सही नहीं होगा इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लो ये होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एजुकेशन चूँकि इसको इम्प्लीमेंट हुए इतने साल हो गए अब इसको हटाना संभव नहीं है इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आप समझते हो ये बात निकल कर आती है तो ऐसे में जो हाई कोर्ट का डिसीज़न आया खासकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीज़न आया वो वेलकमिंग डिसीजन है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया आर्टिकल टू टू सिक्स के तहत टू तो इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड ऑल्सो सवाल भी खड़ा किए स्टेट गवर्नमेंट पर कि क्या ये इथेनिक क्लिनसिंग का एग्जाम्पल नहीं है जो आप कर रहे हो एंड ऑल्सो कोर्ट हैज स्टॉप दूशन और ये बात भी कोर्ट ने कह दी इट इज लाइक एंड एबसोल्यूट पावर एब्सोलूटली इस प्रकार के टॉपिक पर क्वेश्चन भी आए हैं ऐसे में तो ये आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल के रूप में कोर्ट कर सकते इसका तो मतलब ये है कि जो सत्ता है ना सत्ता की लालच है वो व्यक्ति को करप्ट बना देती है और अगर एब्सल्यूट पावर दे दिया जाए तो अल्टीमेटली पूरी तरह से व्यक्ति करप्ट हो जाता है तो आप एग्जाम्पल वेरियस केस स्टडी में कोट कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर फिर सवाल उठते हैं कि ये सब चीज़ें जो चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने छु मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर क्यों नहीं यहाँ पर दिखाया तो दैट्स ऑल एंड दैट्स ए गुड पॉइंट कि हाई कोर्ट ने स्टेप अप किया जो रोल उनको संविधान की तरफ से दी गई अंडर आर्टिकल टू टू सिक्स उसको उन्होंने इन्फोर्स किया एंड ऑल्सो इतना ही नहीं डूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी हाई कोर्ट ने अपनी ड्यूटी अच्छे से भी निभाई एंड जब जब जरूरत रही हाई कोर्ट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर खड़ा उतरा तो कंक्लूजन में यही है कोर्ट जो भी एक्शन लेती है टू इस्टिश रूल ऑफ लॉ इज अ वेलकम स्टेप एंड दैट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इज डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप सो वी हैव डिस्कस द आर्टिकल टूडे एंड होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल इन डिटेल थैंक यू फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन फॉर आवर नेक्स्ट डिस्कशन थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल